हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है गणेश चतुर्थी, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। तो आज छुट्टी मार रहा हूँ मैं, क्योंकि घर क्लीन कर रहा हूँ और वो पूरा साफ कर रहा हूँ। नमो नमः। अरे यार, बंद कर देगा ना, कॉपीराइट आ जाएगा। और ये सब पूरा क्लीन कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा पूरा लगा रहा हूँ। ये देखो साइड में, ये पूरा वाईफाई का मेरा ये सेटअप है। और ये फ्रिज खराब हो गया है, जो कि अभी देखो वायर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अभी मैकेनिक को बुलाऊंगा, फ्रिज वाले को, तो ठीक कराऊंगा। देखो पूरा बंद पड़ा हुआ है फ्रिज ऐसा। अभी ये सब पूरा क्लीन कर रहा हूँ, नीचे का पूरा गंदा कचरा निकाला। आज गणेश चतुर्थी है, इसके लिए गणपति बप्पा आएंगे। पूरा घर क्लीन कर रहा हूँ, घर साफ सफाई रहता है तो लक्ष्मी माता आती है, घर गंदगी रहता है तो लक्ष्मी माता नहीं आती है। अभी ये भी पूरा क्लीन करना है। मम्मी सब क्या रख दिए, दवा ववा रख दिए, पूरा भी सब सब धुलना है। अभी बहुत कुछ काम बाकी है यार। मम्मी बेडशीट उसीट धुल रही है, जितना भी पर्दा उर्दा है सब मम्मी धुल रही है। आज मम्मी का भी छुट्टी है। ये क्लीन करते 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 और सॉन्ग का वाइब ले रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। गणेश जी का सॉन्ग सुनते सुनते पूरा जय गणपति बप्पा मोरया। और क्लीन करते करते देखो मुझे क्या मिल गया। ये मेरा एक्ने स्टार्क है, ये वाला मैं बहुत पहले यूज करता था, मेरा पिंपल ठीक होता था इसी से। अभी नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि यार ये यूज करने से क्या होता है, कंटिन्यू यूज करना पड़ता तब जाके ठीक होएगा, नहीं तो नहीं होता है। देखो ये पूरा धुल दिया, अभी देखो कैसे शाइनिंग मार रहा है। अभी बस इसको सेटअप कर देते हैं। ये धुल गया, अभी पूरा अच्छे से लगा दिया मैंने, फिर भी इसमें पूरा नहीं आ पाया तो इधर में भर दिया हूँ, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा इसके अंदर जाएगा है नहीं। ये आ रहा हूँ नहाने, तो टाइम देखो कितना हो रहा है। देखो 12:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है। जब से घर से साफ कर रहा हूँ सुबह से लेकर अभी तो 2:10 हो रहा है। सोचो अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना छोड़ो अभी तक तो मैंने नहीं ब्रश किया बट पानी नहीं पिया। जब तक पूजा नहीं करूँगा तब तक पानी नहीं पीऊँगा। तो उसके बाद जाके मंदिर जाना है, गणेश मंदिर जाके पूजा करके उसके बाद जाके पानी पीना है। और खाना तो अब डायरेक्ट कल खाऊँगा, आज थोड़ा बहुत केला और फल फ्रूट्स खा लूँगा, दूध दूध पी लूँगा हल्का फुल्का। तो चलो फटाफट नहाता हूँ और फटाफट इसे हेयर और हेयर को वॉश करता हूँ। देखो भाई पूरा ऑयल लगाया था ना, पूरा बाल निखर गया। ये डव कंडीशनर यूज करता हूँ मैं अपने हेयर पर, और ये कैप मैं चेंज करता हूँ अभी इसका। तो फ्रेश होके आ गया मैं, दिखाता हूँ अपना बॉडी। देखो बन रहा है, अभी ऐसा लुक कर लिया मैंने। देखो ये मेरा गाड़ी रेडी है, अभी जा रहा हूँ मंदिर। अभी इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए भाई साहब ये जा रहा है, ये चाबी किधर है? तो देखिए रोहित जा रहा है। स्टार्ट होने में इसको थोड़ा टाइम लगता है मेरे बारे में गो, मतलब अभी नहीं। क्लाउड देखो कितना औसम क्लाउड है। और ये सारा मम्मी धुल के रेडी रखी है आज, घर का पर्दा बेडशीट सब। आज फल ले रहा हूँ भगवान को चढ़ाना है।
क्या करते हैं? मैं तो बस अच्छा जल्दी होती है जल्दी कम कर दो। दे दो प्रसाद दे दो, ये सब चलेगा उतना बड़ा, वो भी दे दे चलेगा, भगवान का है ना, चलेगा दे दे खा लूंगा। हाँ चलेगा पक्का, मालूम है ब्रो। हाय हाय बाय बाय। तो ये मेरे साथ में है, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को प्रसाद मिला है, ओके ठीक है, और इधर पे दर्शन कर लिया हूँ क्या, चल बाय बाय ओके निकलता हूँ। जा रहा हूँ पेट्रोल भराने, और यहाँ पर इतनी बड़ी टावर हुआ करता था बिल्डिंग, ये देखो पूरा टूट गया है, जो कि ये बिल्डिंग एक बार यहाँ का सबसे अमीर आदमी का था, ये बिल्डिंग था जो कि बहुत बड़ा कंपनी खोल के रखा था, लॉकडाउन में वही वाला बिल्डिंग काम आया था, सारे कोविड पेशेंट को इसी में रखा हुआ करते थे, आज देखो पूरा तोड़ दिया। अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी में से, ठीक है पंप पहुँच गया, अभी भरा लेता हूँ पेट्रोल। अरे यार अभी भी नहीं है, फुल होने के लिए इसको टंकी फुल करना पड़ेगा पूरा। घर पे पहुंच गया, दर्शन करके आ गया, घर पे पहुंच गया मैं, और आपको दिखाता हूँ। ये देखो केला, एक दर्जन केला लेकर आया हूँ, और दूध लेकर आया हूँ, और फल के लिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी जाएगी अभी मार्केट तो लेकर आएगी, और सिंगदाना भी लाएगी, और क्या क्या जो उपवास में व्रत में खा सकते हैं वो सब लाएगी, फिर रात को खा के सो जाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं खाऊँगा। अभी पानी पीता हूँ, कैसा लगता है भाई, बहुत पूरा सूख गया गला मेरा। हाँ लेकर आऊंगा आधार कार्ड, कहाँ लेके आए? आऊंगा आऊंगा, तो पी लिया बहुत। हाँ ठीक है आता हूँ मैं। आधार कार्ड लेके आए? हाँ 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 लेकर आऊंगा, एक बार से 10 बार बोलती है मम्मी। यार अभी थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा राहत फील मिल रहा है मुझे पानी पीने के बाद, बिना एक टाइम कुछ भी नहीं खा हुआ चलेगा, पर हाँ हाँ मम्मी ठीक है। तो अभी पानी पीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, और एक टाइम खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, पर पानी भाई, पानी के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। अगर एक दिन पानी नहीं पिएंगे तो आदमी कैसे रहते होंगे पता नहीं, पर वही सुबह से मतलब समझो कि मैंने कल रात को पिया था, 12 बजे पी के सोया था, उसके बाद से पानी नहीं पिया, और अब भी पूरा दिन चला गया, अभी शाम हो गया, इवनिंग हो गया, कितना 5 बज के अभी 6 बज गया, ठीक है तो देखो 6 बजे पानी पी रहा हूँ मैं, 1 लीटर में से आधा लीटर ख़त्म कर दिया मैंने, आधा से ज़्यादा ख़त्म कर दिया, अभी पेट इसी पानी से फुल हो गया, अब तो फल भी नहीं खाने मन कर रहा है मुझे, न दूध पीने मन कर रहा है, इसी से पेट भर गया है मेरा। एक बात तो है यार, जब मैं व्रत रखता हूँ ना तो पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लगता, ना भूख लगता ना प्यास नहीं लगता उतना, बहुत कम ही लगता है, और जिस दिन मैं व्रत नहीं रहूँगा अगर मैं थोड़ा सा 2-3-4 घंटा अगर लेट कर दिया खाने के लिए तो पेट में दर्द हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है कि खाना चाहिए तो चाहिए चाहिए तो चाहिए, मैं तो रह नहीं पाता हूँ, और पता नहीं भगवान के लिए रह लेता हूँ मैं व्रत, और
गुड मॉर्निंग। तो अभी नहा के आया मैं, अभी जाना है मंदिर, उसके बाद पूजा करके तो मेरा व्रत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खाना खा लेता हूँ, अपना व्रत तोड़ता हूँ खाना खा के, और भी चलो रेडी होता हूँ। ओके, कपड़ा पहनता हूँ, फिर उसके बाद मंदिर निकलना है मुझे। तो देखो भाई मेरा शीश बैक बॉडी बाइस है, थोड़े दाग आ गए हैं, वो शेविंग कर रहा था तो इसके वजह से दाग आ गया, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कर दिया है। देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट आ गया, ये सब चला जाएगा कुछ दिन में। और बॉडी देखो भाई, ओके चलो फटाफट रेडी होता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ मंदिर में डायरेक्ट। मंदिर जा रहा हूँ, अभी निकलता हूँ। और देख रहे हो क्लाउड कितना ऑसम दिख रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना, प्यारा सा। और ये मेरा भाई ने लगाया था ये वाला ट्री, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना मेरे घर का। ओके निकलता हूँ। देखा अभी एक फूल यहाँ से टूट के गिर गया है, और ये रहा अभी, ओ भाई एक चींटी है, गिर जाओ नीचे, उतर उतर गया। अभी इसको क्या करता हूँ, देखो कितना प्यारा लगेगा ना कितना, ये मेरी जान है जान, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, सुजुकी परगमैन। पहुंच गया मैं, अभी दर्शन करता हूँ, उसके बाद घर पे निकलूंगा। अयोध्या मंदिर पीछे साइड में, और साइड में राम जी और गणेश जी, और यहाँ छोटा से गणेश जी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं एकदम। और साइड साइड में झरना है, और ये पहाड़ का ऐसा बनाया गया है। अभी प्रसाद ले लेता हूँ और खा लेता मोदक। वाह गणपति पप्पा का मोदक कितना प्यारा लग रहा है ना। और अभी मैं खा के टेस्ट करके बताता हूँ, फिर निकलता हूँ। मोदक है, अभी टेस्ट करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाओ तुमने खाया प्रसाद? खाया हमने। ओके तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को बता दिया, पूछ रहे थे भैया तुम्हारा चैनल नाम क्या है, तो मैंने बताया रोहित बिंदे। सब्सक्राइब करेगा ना? हाँ। ओके हाँ जरूर जरूर। मैं अभी जा रहा हूँ घर पे। हाँ 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 जरूर दो दो दो। वैसे भी मैं व्रत रखा था मेरा कंप्लीट हो गया है, और भूख भी बहुत ज्यादा लगा है। पूरा ले लो। अरे पूरा दे दोगे मैं पूरा थाली खत्म कर दूंगा तो अभी ये लोग हैं भैया, अब ये प्रसाद तो मेरे को दे दिया है, ओके खाता हूँ। पूरा खराब हो रहा हूँ और ये लोग जरूर यूट्यूब पर आएंगे, देख लेना भाई ना। भाई हम इंस्टाग्राम पे चलाते, इंस्टाग्राम में वीडियो। हाँ बता दो आईडी, बता दो अपना अपना। मोरिया कमले से देख सकते हो गाइस, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते, उस पे आप हमें फॉलो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं है जी। हाँ ये आप सुन सकते हैं। पूजा कर लिया, अभी घर पे निकल रहा हूँ। घर पे आ गया, अभी जाता हूँ खाना खाने। आप लोगों को मैं टाइम दिखाता हूँ कितना, देखो 3:12 हो गया, 3:12 हो गया है,
सोचो यार, इतना टाइम हो गया और मुझे भूख भी नहीं लग रहा है। मैं 6 तारीख को खाना खाया हूँ, सोचो। जब भी 6 तारीख को रात में खाना खाया था, 11 बजे खाकर सो गया था, दाल चावल ही खाया था बस, तब से मेरे को भूख ही नहीं लग रहा है। आज है 8 तारीख है, देख लो, आपको यकीन नहीं, डेट देख लो, आज संडे है, 8 सितंबर है, देखो है ना, है भगवान का आशीर्वाद। बताओ, मैं व्रत रखा था, एकदम सच्चे दिल से व्रत रखा था, और ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और लोग को शेयर करो ताकि बहुत लोग भी देख सके और थोड़ा सपोर्ट आपको भाई को मिल सके। ओके, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलो बाय बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।